हेलो एवरीवन आज हम लोग हिस्ट्री के क्लास फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है व्हाट वेयर व्हेन एंड हाउ मतलब व्हाट मतलब क्या वेयर मतलब कहाँ व्हेन मतलब कब और हाउ मतलब कैसे मतलब कि जो चैप्टर फर्स्ट है ये पूरा है कि क्या हुआ था कैसे हुआ था, कैसे हुआ था कब हुआ था और क्यों हुआ था इसके बारे में जानने के लिए जो है इस पूरे चैप्टर में बताया गया है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक इंडिया का मैप है जो हम लोगों को देखना है यहाँ पे तीन चार चीजों को लोकेट किया गया होगा ठीक है आपके फर्स्ट या सेकंड पेज पे ही होगा एनसीईआरटी के पेज पे फर्स्ट या सेकंड पेज पे, पे होगा आप लोग उसको देखिएगा और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें बोलेगा कि आप मैप पे जाके इन इन जगहों को ढूंढिए और इन जगहों के बारे में जो है बहुत सारी चीजें बताई गई हैं चलिए देखते हैं सबसे पहले कि वेयर डू पीपल लीप सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा है कि लोग कहाँ रहते थे भाई ऑब्वियस सी बात है कि लोग कहीं ना कहीं लोग जब पृथ्वी पे आए तो लोग कहीं ना कहीं तो रहते होंगे तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लोग कहाँ रहते थे इसके बारे में हम लोग जानेंगे तो चलिए देखते हैं कि पीपल लीव ऑन नर्मदा रिवर नर्मदा रिवर के अगल बगल भी लोग रहते थे ठीक है अब नर्मदा रिवर कहा हम लोग मैप पे जरा लोकेट करके देख रहे हैं। जली जली रिवर कहां पे? मिल जाए तो बताइएगा जल्दी से ठीक है नर्मदा रिवर कहाँ दिख रहा है यहाँ दिख रहा है सबको दिखाई दे रहा है नर्मदा रिवर यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबको चलिए तो जो यहाँ के लोग रहते थे उसके बा, उनके बारे में बताया गया है कि जो यहाँ पे जो लोग रहते थे इनके बारे में बताया गया तो देखिए कि दे वर स्किल्ड गैदर वो स्किल्ड गैदरर्स थे मतलब कि वो खाना इकट्ठा करते थे ठीक है वो बहुत ही ज्यादा स्किलफुल थे खाना इकट्ठा करने में ठीक है उनके पास दिमाग था कि कौन सा खाना खाता खाया जाता है कौन सा खाना नहीं खाया जाता है उसके बाद है हमारा दे नो अबाउट द वर्स्ट वैरायटी ऑफ प्लांट ये जो प्लांट के जितनी भी वराइटीज होती है ना एक टाइप का तो प्लांट होता नहीं है बहुत सारे टाइप के प्लांट होते हैं तो ये जो है प्लांट के सारी वराइटी के बारे में जानते थे इसके बाद है दे कलेक्टेड फ्रूट्स एंड रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ये क्या करते थे क्या क्या कलेक्ट करते थे खाने लायक जैसे कि फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे कुछ कुछ प्लांट्स के हम लोग रूट्स खाते हैं ये उनको इकट्ठा करते थे और जो भी दूसरे पार्ट ऑफ द प्लांट है ये उसको भी इकट्ठा करके खाते थे उसके बाद है ये दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स वो जानवरों का भी शिकार करते थे ठीक है जानवरों का भी शिकार करके ला उसको खाते थे अब हम लोग चलेंगे दूसरे लोकेशन के बारे में क्या बताया गया है पहला है दूसरा है सुलेमान एंड किर्थर हिल्स फिर से मैप पे जाएंगे और देखेंगे कि सुलेमान और किर्थर हिल्स कहाँ दिखाई गया जरा देख के बताइए सुलेमान और किर्थर हिल्स यहाँ दिख रहा है आप लोग को ये यह देखिए यहाँ दिख रहा है सुलेमान और किर्थर हिल्स तो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में क्या बताया गया यहाँ पे जो लोग रहते थे वो कैसे रहते थे उसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहला है कि ट्रेसेस ऑफ क्रॉप्स अबाउट एट थाउजेंड ईय अगो यहाँ पे जो है आठ हजार साल पहले जो है यहाँ पे जो है क्रॉप्स के ट्रेसेस मिले हैं क्रॉप्स के छोटे छोटे टुकड़े मिले क्रॉप्स के सबूत मिले हैं कि यहाँ पे जो है क्रॉप्स को उगाया जाता था उसके बाद से है सच क्रॉप्स आर वीट एंड बार्ली मतलब कि गेहूं और बार्ली को बाजरा बोलते हैं इसको भी जो है उगाया जाता था इसके जो है क्रॉप्स के टुकड़े मिले हुए हैं क्रॉप्स के नमूने मिले हुए हैं इसके बाद से है पीपल रियर्ड एनिमल्स लाइक शिप गोद्स एंड कैटल जो लोग थे वहां पे वो जानवरों का भी पालन करते थे ठीक है अभी भी जानवरों को पाला जाता है ना गाय को बकरी को इन सबको पाला जाता है भेड़ को पाला जाता है तो उस समय के लोग सोचिए आठ हजार साल पहले लोग जो है यहाँ पे क्या करते थे कि जानवरों को भी पाला करते थे और उसके बाद से वहां पे धीरे धीरे जो है गांव बनने जो है डेवलप हो गए वहां पे क्यों वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि जब वहां पे लोग रहेंगे जब यहाँ पे जो इतने ढेर सारे लोग रहेंगे तो सबका एक मान लीजिए एक सबका एक घर होगा ठीक है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे एक गाँव वहां पे एक कल्चर बनना आसानी से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है गारो एंड विंध्याज हिल इसके बारे में बताया गया है तो फिर से हम लोग मैप पर देखेंगे कि गारो एंड विंध्याज हिल कहाँ पे है जरा जल्दी जल जल से हमको ढूंढ के बताइए गारो और विंध्याज हिल कहाँ पे दिख रहा है आप लोग को दिख रहा है गारो एंड विंध्याज हिल देखे यहां पे दिख रहा है आप लोग को गारो दिखाई दिया गारो हिल्स दिखाई दिया यहां पे आपको तो देखिये इसके बारे में क्या बताया गया है देखते हैं कि यहाँ पे भी जो है एग्रीकल्चर डेवलप किया गया था यहाँ पे क्या किया गया था एग्रीकल्चर भी अच्छा खासा डेवलप किया गया था उसके साथ साथ यही एक ऐसी जगह थी स्टार्टिंग में सबसे ऐसी पहली ये जगह थी जहां पे जो है राइस को ग्रो किया गया था सबसे पहला जो एविडेंस जो राइस का है वो यहीं से मिला था इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इंडस नवी और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानेंगे कि वहां पे क्या हुआ था तो सबसे पहले हम लोग पे देखेंगे कि इंडस नदी कहाँ पे है अगर दिख रहा है किसी को तो बताइए कहां पे है देखिए इंडस जो रिवर है वो यहाँ पे है ये हमारा पूरा जो एरिया आएगा वो इंडस रिवर का आएगा यहाँ पे आपको इंडस रिवर दिख रही है ये देखिए देखिए आपको इंडस रिवर यहाँ पे तो ये जो हमारा एरिया है वो इंडस रिवर का है उसके बाद हम लोग चलते हैं कि क्या हुआ था यहाँ पे कैसे कैसे लोग थे यहाँ पे इसके बारे में जानेंगे तो देखिए About years ago, जिसको हम लोग सिंधु नदी भी बोलते हैं इसके बगल में जो थे छोटे -छोटे जो है, शहर जो है बसने स्टार्ट हो चुके थे उसके बाद से जो है पच्चीस सौ साल पुरा पुरानी बात है ये कि ये जो शहर थे वो डेवलप्ड होने स्टार्ट हो गए थे मतलब कि शहर तो बस चुके थे सैतालीस हजार साल पहले जो है यहाँ पे शहर तो बस चुके थे लेकिन अभी क्या था शहर डेवलप नहीं हुए थे तो पच्चीस सौ साल पहले जो है वो अब शहर डेवलप होना स्टार्ट किया है यानी कि उनमें अच्छा खासा जो है पानी वाला सिस्टम जाने जाना नाले वाले का सिस्टम अच्छा खासा बन गया अच्छी सी वॉशरूम वगैरह बनती थी अलग किचन बनता था तो इन सब चीजों में जो है पच्चीस साल पहले जो है सुधार पच्चीस सौ साल पहले जो है इन सब चीजों में सुधार आया था इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फिर से मैप मैपे देखा कि कहां पे है गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज़ चलिए ढूंढते हैं देखिए गंगा अंगा कहीं दिख रही है आपको यहाँ पे देखिएगा गंगा दिख रहा है गंगा ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये सोन हो गया ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था इसके बारे में जानेंगे तो देखते हैं एरिया टू तो द साउथ ऑफ गंगा कॉल्ड मगध जो गंगा के जो साउथ में जो एरिया है गंगा के साउथ में जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं मगध और मगध जो था उस टाइम का सबसे ज्यादा पावरफुल किंगडम था मतलब जो यहाँ के राजा थे जो यहाँ का किंगडम था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था माना जाता है कि उस टाइम मगध में जो था बहुत ही बड़ा जो है पावरफुल किंगडम राज कर रहा था ठीक है अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ की है कि वे वाय पीपल ट्रेवल लोग जो थे वो यहाँ से वहाँ क्यों घूमते थे किस रीजन की वजह से लोग जो है यहाँ से वहां घूमते थे देखते हैं कि पीपल इन सर्च ऑफ फूड एंड हंटिंग लोग जो थे खाने की तलाश में और शिकार करने की तलाश में घूमते थे दूसरा है दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल इन रिस्ड आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन ये जो लोग घूमते थे ना इनकी वजह से क्या होता था कल्चर बढ़ता था लोग यहाँ का कल्चर जैसे कि यहाँ पे कुछ और कल्चर है और कहीं और जाते हैं तो वहाँ का कल्चर कुछ और होता है तो इससे क्या होता है हमारा कल्चर जो होता है वो फैलता है लोग हमारे कल्चर के बारे में जान पाते हैं हमारे कल्चर को कहीं और के लोग भी अपना पाते हैं हमारे ट्रेडिशन्स को कहीं और के लोग भी अपना पाते हैं तो ट्रैवलिंग से क्या हुआ कल्चर लोग अपनाना स्टार्ट कर दिए एक जगह से दूसरी जगह जो था वो कल्चर जो था एनरिच होने लगा ट्रेडिशंस जो थी वो अलग अलग जगह जाने लगी और लोग उसको अपनाना भी स्टार्ट कर दिए उसके बाद है पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स कंपोजिंग म्यूजिक कुकिंग फूड एंड सेवरल हंड्रेड ईयर्स अगो साल पुरानी बात है कि लोग क्या किए कि जो स्टोन करना था ना स्टोन से अलग अलग चीजें बनाई जाती थी फिर म्यूजिक कंपोज किया जाता था ये चीज़ें भी जो थी वो अलग अलग जगह जो जो है है जाने लगी मतलब कि लोग जो है अब लोग अब ट्रैवल की वजह से सीखना स्टार्ट कर दिए वो अलग अलग इंडिया के बहुत सारे पार्ट में जो है लोग अब सीखना स्टार्ट कर चुके थे क्योंकि ये ट्रैवल की वजह से ही आसान था पहले लोग एक ही जगह रहते थे तो ये आसान नहीं था कि ऑल ओवर द इंडिया वो चीजें फैल जाए या फिर कहीं भी वो चीजें फैल जाए लेकिन ट्रैवलिंग के बाद से क्या हुआ कि ये सारी चीजें जो थी वो धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो गई इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ नेम ऑफ द लैंड जो हमारा भारत है ना जो हमारे जमीन का जो नाम है या फिर इंडिया या फिर भारत ठीक है दो चीज हम लोग लेते हैं या फिर इंडिया या फिर भारत तो ये आखिर कैसे पड़ा हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये जो नाम है वो आखिर कैसे पड़ा तो चलिए देखते हैं कि ये जो नाम है वो आखिर कैसे पड़ा है इसमें तो देखते हैं कि इंडिया फ्रॉम इंडिया आखिर नाम जो है वो कैसे पड़ा है हम लोग इसको जानेंगे तो इंडिया फ्रॉम इंडस सिंधु इन संस्कृत जो इंडिया है ना उसको इंडस नाम से लिया गया इंडस ठीक है और इसको हम लोग संस्कृत में सिंधु बोलते हैं सिंधु बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं संस्कृत में सिंधु बोलते हैं तो देखिए जो ईरानियन और ग्रीस आए थे ठीक है जो हमारे यहाँ ईरानियन और ग्रीस आए थे वो क्या करते थे इंडोस को जो है क्या वो हिंदोस को वो क्या बोलते थे इंडोस बोलते थे इंडोर्स का मतलब होता है कि जो इंडस रिवर के पीछे जो जगह है इंडस रिवर के जो ईस्ट में जो जगह है उसको क्या बोलते थे वो लोग इंडोस बोलते थे समझ में आ गई बात इंडोस का मतलब होता है कि जो इंडस रिवर के ईस्ट में जो जगह था यानी कि इंडस रिवर के ईस्ट में हमारा इंडिया ही था तो इंडस रिवर के ईस्ट में जो हमारी जगह थी उसको हम लोग क्या बोलते थे इंडोस बोलते थे तो इंडिया हमारा नाम यहाँ से पड़ा अब देखते हैं भारत जो नाम है वो कहाँ से पड़ा देखते हैं इट इज यूज फॉर द पीपल हु इन नॉर्थ वेस्ट जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे ठीक है जो लोग नॉर्थ वेस्ट एरिया में रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं भारत ठीक है उसके बाद देखते हैं कि इट इज इन ऋग्वेद 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 इसको में भी किया गया है बोला गया है कि जो लोग जो है नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं भारत बोलते हैं और इस चीज को कहाँ पे मेंशन किया गया है ऋग्वेद में मेंशन किया गया और ऋग्वेद कब लिखा गया था 3500 इयर्स अगो में जब वैदिक एज था हमारा

तो दो चीजें जो होती हैं वो बताती हैं कि हम लोग जो है कैसे अपने पास्ट के बारे में जानते हैं तो सबसे पहला है हमारे मनुस्क्रिप्ट जो होती है हैंड रिटन बुक्स मतलब कि हाथ से लिखी हुई जो किताबें होती हैं हम लोग उसके बारे उससे जानते हैं कि हमारे पुराने जमाने के लोग जो है वो क्या करते थे दूसरा है हमारा इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन क्या होता है जो हम लोग हार्ड सरफेस पे लिखते हैं जैसे कि हमारा कोई रॉक हो गया कोई पत्थर हो गया ठीक है कोई अलग से जो है कोई आ, कह सकते हैं कि किसी टाइप का रॉक हो गया उसके साथ साथ कोई मेटल हो गए अगर हम लोग उस पर लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंस्क्रिप्शन बारी बारी से हम इन दोनों चीजों को डिसाइड करके चलते हैं तो चलिए देखते हैं मनोस्क्रिप्टिप क्या होता है इसका मतलब होता है इट मीन रिटर्न बाई हैंड्स मनोस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि वो चीजें जो हाथ से लिखी गई हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेनोस्क्रिप्ट बोलते हैं और ये कहाँ पे लिखी जाती हैं ऑन पाम लीव्स लिखी जाती हैं या फिर बाउक ऑफ द ट्रीज पाम लीव पे ठीक है पाम जो में बेसिकली ये हैतले है तो -पतले होते हैं उनपे जो है लिखा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाग ऑफ ट्री इसके बाद से है इट वॉज रिटन थाउजेंड ऑफ ईयर इसको हजार साल पहले लिखा गया था लेकिन इसमें बहुत सारी जो चीजें है वो क्या हो गई थी जिसको कीड़े मकोड़े खाके खत्म कर चुके थे लेकिन कुछ चीज़ें जो है मंदिरों में रख के ठीक है या फिर कोई ज, कोई रिलीजियस प्लेसेस पे रख के जो है उसको बचा ली गई थी ठीक है और ये जो किताबें लिखी जाती थी उनका मेन टॉपिक क्या होता था मतलब किस सब्जेक्ट पे ये किताबें लिखी जाती थी किसके बारे में लिखी जाती थी इसके बारे में हम लोग जानेंगे तो इनका जो टॉपिक था वो था रिलीजियस बिलीफ धार्मिक जो भी हमारे बिलीफ है उसके बारे में लिखा राजा और रानी की कहानी के बारे में उनके जीवन के बारे में लिखा जाता था उसके बाद से मेडिसिन के बारे में लिखा जाता था साइंस के बारे में लिखा जाता था एपिक्स के बारे में लिखा जाता था पोएम्स के बारे में और प्ले के बारे में लिखा जाता था और कौन से लैंग्वेज में ये बुक लिखी जाती थी मतलब कौन से भाषा में ये बुक लिखी जाती थी तो सबसे पहला है तमिल या तो तमिल में लिखा जाता था या तो संस्कृत में लिखा जाता था और या तो प्राकृत में लिखा जाता था ठीक है आई बात समझ में कि, कि किस में लिखा जाता था तो या तो तमिल में या तो संस्कृत में या तो प्राकृत में लिखा जाता था तो इसको हम लोग क्या बोलते थे मैनू स्क्रिप्ट बोलते थे आगे बात समझ में अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन क्या होता है हम लोग उसको जानेंगे तो हम बता चुके हैं कि दीज आर रिटन ऑन स्टोन एंड मेटल ये चीज़ें कहाँ पे लिखी होती हैं या तो स्टोन पे लिखी होती हैं या तो मेटल पे लिखी होती है यानी कि ये किसी भी हार्ड सरफेस पे लिखी होती हैं इसके बाद से इसमें क्या लिखा होता है विक्ट्री ऑफ किंग राजा जो है जीता उसके बारे में लिखा होता है राजा की जहाँ पे विजय होती है उसके बारे में लिखा होता है बैटल ऑफ किंग राजा ने कौन कौन से युद्ध लड़े उसके बारे में लिखा जाता है दे देर्डर रिटर्न और जो उनके ऑर्डर होते हैं ना जो उनके जो है कह सकते हैं कि जो उनकी हुकूमत जैसे जो उनको बोला जाता है कि मेरे राज्य में इंसान यही कार्य कर सकता है ये नहीं कर सकता है तो इन सब चीज़ों को भी इन इन सब चीज़ों पे लिखा जाता था इसके बाद आते हैं कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यहाँ ये जो चीज ये जो फिगर दिया हुआ है ना बेटा ये देखते हैं ये एक एग्जाम्पल ये कहाँ पे है इसके बारे में अभी हमको बताते हैं तो देखिए एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज फाउंड इन कांधार कांधार में जो है एक अशोका अशोका किंग के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा नहीं सुना होगा तो आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो प्लीज परेशान मत होइएगा बस याद रखेगा कि अशोका एक किंग था उसने जो है ये चीजें जो है लिखवाई थी अशोका के कुछ ऑर्डर्स थे उसको लिखा गया था ठीक है और ये कहाँ पर पाया गया था ये पाया गया था कंधार में और कांधार कहाँ पे है अभी प्रेजेंट में ये कांधार कहाँ पे है अफगानिस्तान में है इसमें दो लैंग्वेज यूज किया गया है सबसे पहला पहला ग्रीक यूज किया गया है और दूसरा यूज किया गया ये ऊपर वाला जो है लैंग्वेज है वो ग्रीक है और दूसरा वाला जो यहाँ पे ये जो लैंग्वेज है वो कौन सा है वो एरेमेटिक है अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हाउ टू तो फाइंड पास्ट हम लोग अपने पास्ट को कैसे जानते हैं और कौन कौन सी चीजें होती हैं जिससे हम लोग जानते हैं तो देखते हैं कि थ्रू ऑब्जेक्ट फाउंड इन एक्सक्यूशन जो खुदाई में जितने भी ऑब्जेक्ट मिलते हैं ना जैसे खुदाई उदाई होती है ना सर्वे वर्वे के लिए खुदाई होती है तो उसमें हमारी जो भी चीज़ें मिलती हैं उससे हम लोग पास्ट को जानते हैं और जो जो चीज़ों को पढ़ते हैं जो इन चीज़ों को लेके बैठ के पढ़ते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं कैसे यूज़ की हो गई होंगी उसको हम लोग बोलते हैं एर्कोलॉजिस्ट एर्कोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पुरानी चीज़ों को पढ़ते हैं और उस टाइम के लोगों के लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि वो कैसे जो है उन चीज़ों को यूज़ करते होंगे ठीक है तो क्या क्या चीज़ें मिली थी ऑब्जेक्ट मिले थे कुछ टूल्स मिले थे कुछ वेपन्स मिले थे कुछ पॉट्स मिले थे कुछ पैंस मिले थे कुछ ऑर्नामेंट्स मिले थे कुछ कॉइन्स मिले थे कुछ बोन मिले थे कुछ बेक्ड क्ले मिले थे और कुछ मेटल मिले थे ये सारी चीजें जो थी वो यहाँ पे मिली थी जैसे यहाँ पे आपको पॉट दिख रहा होगा ये वेपन्स हैं वहाँ के ये कॉइन्स हैं बहुत पुराने पुराने कॉइन्स मिले हैं ये हड्डियाँ मिली हैं ये छोटे छोटे ज्वेलरीज देखिए ये हड्डी उड्डी से ज्वेलरीज बनाई गई हैं वो मिली है ये देखिए ये कंकाल वंकाल मिला है ठीक है समझ में आ रही है आप लोग को बात तो ये हमारा हिस्ट्री का अभी फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है आपको सेकेंड चैप्टर की वीडियोस मेरे चैनल पर ही जल्दी ही मिल जाएंगी तब तक के लिए थैंक यू सो मच